आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की सब बड़ी खबरों पर। सरकार के दबाव में आने के आरोप पर ट्विटर का राहुल गांधी का जवाब, हम किसी के फॉलोअर्स की संख्या नहीं घटाते। भारतीय विकास दर को लेकर आईएमएफ के अनुदान बढ़ोतरी, आगामी वित्त वर्ष में देश के विकास दर 9% रहने की संभावना। देश में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, लगातार 3 दिन तक 3 लाख से आए कम केस। राष्ट्रपति अंगरक्षक दल के अश्व विराट को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने दी विदाई, 13 साल की सेवा के बाद रिटायर। रंग बिरंगी रोशनी में डूबे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन के बाहर ड्रोन फॉर्मेशन से बनी अनूठी आकृतियां। नक्सलियों ने धनबाद रेल डिवीजन में ट्रैक उड़ाया, हावड़ा नार रेल रूट पर परिचालन बाधित। दिवस के उपलक्ष्य में राजपथ पर आईटीबीपी की जाबाज बाइक टीम के साथ भिवानी के जवान ने दिखाई प्रतिभा। गणतंत्र दिवस पर गुंटूर के जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराने की कोशिश नाकाम, हिरासत में ले गए हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता। एनटीपीसी परीक्षा को ले छात्रों को बड़ी चेतावनी, आईसा एनौसा ने किया बिहार बंद का आह्वान। गुलाम नबी को पद्मभूषण सम्मान मिलने पर कांग्रेस के अंदर बड़ी कटुता, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अब तक नहीं दी बधाई। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर विश्व नेताओं ने दी बधाई, पीएम मोदी ने कहा धन्यवाद। भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवालों को हल करने के लिए रेल मंत्री ने संभाला मोर्चा, समाधान के लिए विशेष कमेटी का गठन, दूसरे चरण की परीक्षाएं स्थगित। नागालैंड से जल्द हटाया जा सकता है एएफएसपीए, नेफ्यू रियो ने कहा केंद्र हमारी मांग पर कर रहा है विचार। कांग्रेस ने जारी की अपनी तीसरी लिस्ट, 89 उम्मीदवारों में 37 महिलाओं को मौका। बिहार बीजेपी में बागी नेताओं की घर वापसी हुई तेज, विधानसभा चुनाव के समय छूट गए थे पार्टी। आईपीएस कैडर के 24 पद, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। गायत्री की पत्नी को टिकट देने के सवाल पर अखिलेश यादव ने दिया जवाब, आजम और नाहिद हसन का भी किया बचाव। विद्युत उपभोक्ता परिषद की मांग, ललितपुर पावर प्लांट की कैपिटल कास्ट में हो 5,316 करोड़ की कटौती। यूपी चुनाव में 2022 में बसपा को लगा तगड़ा झटका, दो बड़े पदाधिकारियों ने छोड़ी पार्टी।
विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बसपा ने घोषित किए छह और प्रत्याशी, अब तक 119 सीटों पर दिए टिकट। औरैया पुलिस ने किया छापेमारी अभियान, अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। अलीगढ़ में भाजपा विधायक के खिलाफ प्रदर्शन, विधायक अनिल पाराशर के खिलाफ फूटा गुस्सा। फरीदाबाद में युवक ने समाप्त की जीवन लीला, फंदे से लटकता मिला युवक का शव। कौशाम्बी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जिला पंचायत सदस्य का पति सकुशल बरामद। संबल में AIMIM ने घोषित किया उम्मीदवार, मुशीर खान पर लगाया दांव। आगरा में बसपा प्रत्याशी का अनोखा कारनामा, चुनाव से पहले गाड़ी में लगाया विधायक लिखा पोस्टर, सोशल मीडिया पर वायरल हुई गाड़ी की फोटो। मथुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में की पूजा, पूजा के बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग। चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी सूची जारी, बलिया से कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार, बाजरी से पुनीत पाठक को दिया टिकट। फरुखाबाद में पूर्व मंत्री सपा का बड़ा ऐलान, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र सिंह यादव, अमृतपुर से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे नरेंद्र सिंह। जयंत चौधरी ने अमित शाह के निमंत्रण को ठुकराया, जयंत ने गृह मंत्री के निमंत्रण पर साधा निशाना, कहा मुझे न्योता मत दीजिए। रायबरेली में खनन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद, दिन दहाड़े धड़ल्ले से जारी खनन का खेल, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। सहारनपुर में पत्रकार की हुई हत्या, पत्रकार को कार सवार लोगों ने जमकर पीटा, पीट पीट कर पत्रकार को उतारा मौत के घाट। संबल में सपा प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, सपा प्रत्याशी पिंकी यादव ने खुलेआम किया चुनावी प्रचार, कई गाड़ियों के साथ खुलेआम किया प्रचार प्रसार। कांग्रेस की तीसरी सूची जारी, यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी सूची, कांग्रेस ने 89 प्रत्याशियों की सूची जारी की। यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, दो विधायक कांग्रेस और बसपा में शामिल, दोनों ही लड़ेंगे चुनाव। ने महिलाओं पर लगाया दांव, बासी से किरण, पत्थरदेवा से अंबर जहां को बनाया पार्टी का चेहरा। शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और गठबंधन समर्थकों में जमकर चले लाठी डंडे। अरुणाचल प्रदेश में हरियाणा की शराब बरामद, आरोपितों की पहुंची सहारनपुर पुलिस की गिरफ्तार। पीलीभीत पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बोले पीएम के नेतृत्व में देश का हो रहा सर्वांगीण विकास। योगी छात्रों से बेरहमी पर SSP प्रयागराज पर हो एक्शन, चुनाव आयोग को लिखा पत्र।
लखनऊ विश्वविद्यालय में सोल वाटर पंप की होगी टेस्टिंग, नए कैंपस में जल्द बनेगी आधुनिक लैब। बाराबंकी में सपा ने बदले समीकरण, दरियाबाद से अरविंद सिंह गोप और कुर्सी से राकेश को मिलेगा टिकट। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षार्थियों के पक्ष में कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा बोली समस्या का हल निकाले सरकार। रायबरेली में जहरीली शराब के सौदागरों पर लगेगा एनएसए, यूपी सरकार ने दिए बड़ी कार्रवाई के आदेश। स्मार्ट बनेंगे यूपी के 10 जिलों के 22,548 गांव, 9,642 पंचायत सहायकों ने संभाली कमान। उत्तराखंड कांग्रेस से निष्कासित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भाजपा में शामिल, टिहरे से मिला टिकट। उत्तराखंड उत्थान परिषद को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय सम्मान से किया सम्मानित। देहरादून में हजारों कर्मचारी ट्विटर पर उठाएंगे पुरानी पेंशन बहाली की मांग। भाजपा ने जारी की 9 प्रत्याशियों की दूसरी सूची, पीएम पूर्व सीएम खंडूड़ी की बेटी रितु कोटदार से लड़ेंगी चुनाव। पूर्व सीएम हरीश रावत की सीट बदली, अब नैनीताल जिले की लालकुआं सीट से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड में मौसम को लेकर जारी किया गया येलो अलर्ट, कई जगह होगी बारिश और बर्फबारी। भाजपा प्रत्याशी विनोद चमोली के खिलाफ मुकदमा दर्ज, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का है आरोप। शिक्षा विभाग में तैनात कर्मचारी का सड़क के किनारे मिला शव। देहरादून में सील संपत्तियां बेचने के मामले में सरगना की पत्नी गिरफ्तार। हल्द्वानी की हॉट सीट पर मेयर व सुमित ने मुकाबला, रौतेला को भाजपा दोबारा दिया टिकट। टिकट कटने से आहत भाजपा विधायक राजकुमार टुकराल ने की बगावत, रुद्रपुर से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। आंदोलन में शामिल संविदा रोडवेज कर्मियों का कटेगा वेतन, कर्मचारियों में भारी आक्रोश। उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश से भूस्खलन, सड़क मार्ग से कटा यह क्षेत्र, मतदान में आ सकती है बाधा। मैनिफेस्टो काउंटडाउन शुरू, एक हफ्ते लेट, बीजेपी अब 2 फरवरी को लॉन्च करेगी घोषणा पत्र। ऋषिकेश लक्ष्मण जुड़ा मार्ग पर दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, एक अन्य घायल। पत्रकार हसनैन शाह की मौत पर पाकिस्तान में हंगामा, इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग।
अफगानिस्तान को किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अफगानियों को विश्व से मदद की उम्मीद, यूएन चीफ ने दिया ये बयान। भारत ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा 26/11 के साजिशकर्ताओं को शह दे रही है इमरान सरकार। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का बड़ा हमला, कहा इमरान खान की सरकार ने देश को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने मनाया 73वां गणतंत्र दिवस, चीन के कड़े कोरोना प्रतिबंधों के बीच आयोजित हुआ समारोह। पाक हिंदू सांसद ने भारत से किया आग्रह, तीर्थयात्रियों के प्रतिनिधिमंडल के लिए जारी किया जाए वीजा। इमरान से बाजवा की मुलाकात के बाद चर्चाओं को लगे पंख, विपक्ष के आरोपों में ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का सपोर्ट। अब अमेरिकी सामान पर शुल्क लगाएगा चीन, WTO ने दी मंजूरी। इस महीने का छठा हथियार परीक्षण, दागे दो बैलिस्टिक मिसाइल। तालिबान ने डूरंड रेखा पर पाकिस्तानी बाड़बंदी को किया क्षतिग्रस्त। TCS ने रचा इतिहास, अमेरिकी कंपनी IBM को पीछे छोड़ बनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान IT ब्रांड। टॉर की मेड इन इंडिया ई बाइक लॉन्च, घर पर ही आसानी से कर सकेंगे चार्ज। अमेजॉन ने किया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान, मध्य प्रदेश पुलिस ने सेलर के खिलाफ दर्ज की FIR। विजय केडिया ने BSE को दिया जिंगल, BSE मेरी जान हो तुम का राइट्स, महज 1 रुपए में सांकेतिक शुल्क के साथ किया है ट्रांसफर। निर्मला सीतारमण इस बार भी पेश करेंगे ग्रीन बजट, न्यूनतम प्रतियोगी होगी प्रिंटिंग। सत्य नडेला को पद्म भूषण इंजीनियर के सालाना 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने, नडेला बने CEO। रिटेल ने दिवाला प्रक्रिया से बचने का किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, अमेजॉन की मदद से पेशकश ठुकराई। शेयर मार्केट खुलते ही हुआ धड़ाम, सेंसेक्स में 800 अंक की बड़ी गिरावट। सर्टिफिकेशन स्कीम जारी, बिना इजाजत नहीं उड़ा पाएंगे ड्रोन, मालिक और पायलट का भी रजिस्ट्रेशन होगा। उनहत्तर साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी, टाटा देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी होगी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। टीम इंडिया के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या का ट्विटर अकाउंट हैक, हैकर ने किए कई अटपटे ट्वीट। भारत
भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, पोलार्ड होंगे कप्तान। लसित मलिंगा ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बने श्रीलंका के स्पेशलिस्ट गेंदबाज कोच, एसएलसी ने किया ऐलान। आयरलैंड ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के प्लेट सेमीफाइनल में बनाई जगह। पूर्व कोच रवि शास्त्री की विराट कोहली को सलाह, 2-3 महीने का ब्रेक, फिर अगले कुछ साल कर सकते हैं शानदार प्रदर्शन। वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका, कुलदीप यादव की हुई वापसी। पाकिस्तान में खेल रहे 6 खिलाड़ी आईपीएल में भी उतरने को तैयार, एक को मिले 15 करोड़। नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर जोंटी राइट्स और क्रिस गेल को भेजा बधाई पत्र, जवाब मिला जय हिंद। रोहित शर्मा खेलेंगे वेस्टइंडीज सीरीज, फिटनेस टेस्ट पास, रविंद्र जडेजा को लेकर आई बुरी खबर। पाकिस्तान सुपर लीग में मचा बवाल, मैच शुरू होने के एक दिन पहले स्टेडियम में लगी आग। हार्दिक पांड्या भी हुए अल्लू अर्जुन की पुष्पा फीवर के शिकार, बूढ़ी नानी संग किया डांस। दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार की आखिरी फिल्म जेम्स का पोस्टर जारी, फर्स्ट लुक देख फैंस हुए इमोशनल। वैलेंटाइन डे से पहले अक्षरा सिंह का रोमांटिक गाना हुआ रिलीज, कपल्स लुटाएंगे जमकर प्यार। प्रभास की राधे श्याम की रिलीज को लेकर आई बड़ी खबर, फिल्म के डायरेक्टर का ट्वीट वायरल। राखी सावंत ने किया सबको शॉक्ड, खुद ही पोस्ट कर बता दिया मैं बिग बॉस 15 से बाहर हो गई। पूर्वांचल में रणनीति नहीं जमकर होगी राजनीति, एमएक्स प्लेयर ने किया रक्तांचल सीजन 2 का ऐलान। लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में अपडेट, फैमिली ने कहा रोज रोज उनकी हेल्थ अपडेट देना मुमकिन नहीं। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ एफआईआर, फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया, कहा मैंने किसी को नहीं बेचे राइट्स। मौनी राय और सूरज नामवियार की शादी की रस्में शुरू, हल्दी की फोटोज आई सामने। करीना कपूर ने रिपब्लिक डे पर दोस्तों के साथ मनाया जश्न, करण मलाइका के साथ आई नजर। प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।